पुलिस के लिए दिए जा सकते हैं। राजस्थान पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है, तो राजस्थान पुलिस की न्यू वैकेंसी सभी के सामने आने वाली है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो सभी, आप सभी के सामने एक खुशखबरी निकल के आई है। राजस्थान पुलिस में महिला एएसआई के पद अभी सृजित होने वाले हैं, तो इसकी स्पेशल भर्ती राजस्थान में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार भर्ती आई, महिला एएसआई की भर्ती पहली बार आई है। एएसआई का पद अभी तक नहीं आया, ना तो हेड कांस्टेबल की भर्ती आई है, ना एएसआई की भर्ती आई है। ये इतिहास में पहली बार होने वाला है कि महिला एएसआई की भर्ती राजस्थान में होने वाली है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो ये महिला एएसआई है, ये पद होने वाले हैं जिसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल। जिस भी बहन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो इसमें एलिजिबल होगी फॉर्म भरने के लिए। इसमें पद कितने हो सकते हैं, तो इसमें पद होंगे लगभग 400 से 500 या 600 तक पद इसमें आ सकते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश है वो राजस्थान पुलिस के लिए दिए जा सकते हैं। राजस्थान पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है, तो राजस्थान पुलिस की न्यू वैकेंसी सभी के सामने आने वाली है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। तो जो तीर कमान रखे थे वो वापस उठा लीजिए, वापस से तैयारी में लग जाइए, राजस्थान पुलिस की तैयारी में वापस लग जाइए। और जो महिला एएसआई की भर्ती है वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है ये, तो जी जान से तैयारी कीजिए। इसके सिलेबस के बारे में अभी तो राजस्थान जी की आप भरपूर पड़ी है, राजस्थान जी के आने वाला है। मैथ इसमें नहीं आएगी, मैं पहले बता देता हूँ, मैथ नहीं आएगी, रीजनिंग आएगी, राजस्थान जी के आएगा, कंप्यूटर आएगा, और महिला से संबंधित जो टॉपिक होने वाला है महिला बाल अपराध वो इसमें भर भर के आएगा, ध्यान रख लेना। इसमें मैथ का जो है चांस बहुत कम लग रहा है मेरे को। और बाकी आप चैनल से जुड़ जाइएगा एक बार ज़रूर, राजस्थान पुलिस की भर्ती भी जल्दी आने वाली है। और यही जानकारी देने के लिए मैं आया था आपको कि आज नोटिफिकेशन जो है आज देखने को मिला है कि जो महिला एएसआई के पद है वो सृजित हो चुके हैं। अपने जो डीजीपी है श्रीमान उमेश मिश्रा जी, उन्होंने ये पद सृजित किया है, तो अब ये भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में वापस से जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।